अलॉय व्हील की प्रोफाइल मैं दिखाऊं तुम्हें, 195/55। अरे वाह भाई, अंदर भाई बाहर से अंदर अच्छा लग रहा है मुझे, अंदर फील आ रहा है बहुत तगड़ा। तो बहुत फूक दिया आपने पैसा तो गाड़ी पे, और 2 लाख उड़ गए। मैं अलॉय व्हील्स पे देख रहा हूँ, मतलब आपने ज्यादा बड़े लगवाए नहीं है, जैसे लोग तो जा रहे हैं 18-20 के ऊपर, लेकिन एवरेज भी तो नहीं, 18 नहीं 20, तो उन्होंने सीएनजी भी लगाई हुई है। और भाई मैं देख रहा हूँ रैप कितने का हुआ है पूरी गाड़ी पे, हुआ है 30,000। अच्छा, और मैं इस गाड़ी में देख रहा हूँ आपने ये क्या करवा रखा है। अरे वाह, ये कौन सी लाइट्स है भाई, मोसस पार्लर पे कोई देखी नहीं है मैंने ऐसी लाइट लगी हुई। सही है, मतलब लुक अच्छा आता होगा, मतलब ऐसा इसका लग रहा है टीजर जैसा पिकअप। मेरे को भी लगता है कभी-कभी, मैं कंफ्यूज रहता हूँ भाई, उसकी वरना से तेज भग रही है कसम से। वेलकम बैक टू द व्लॉग, होप सारे बढ़िया होंगे। और गाइज आज हमारे साथ है स्विफ्ट, और बाकी इस पर रैप वैप सब हो रखा है, और भी हम देख रहे हो कितने सही लग रहे हैं, मोस्ट ऑफ ऑल इसमें है, अलॉय इसमें है, सब कुछ है, और मतलब जो जो होना चाहिए मॉडिफिकेशन के हिसाब से। ग्रिल है भाई, क्या बना रही है सामने से, और ज़रा पूछते हैं और ओनर को मिलाते हैं इसके, और देखते हैं इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है। ये रहे अपने भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, ज़रा अपना नाम बता दो पहले। संदीप भाई, पहले बताओ गाड़ी कहाँ की है? नजफगढ़। भाई गाड़ी बहुत अच्छी बना रखी है स्विफ्ट के हिसाब से, और मैं अलॉय व्हील्स पे देख रहा हूँ, मतलब आपने ज़्यादा बड़े लगवाए नहीं है? नहीं, 16 इंच चाहिए, 14 इंच के अंदर आते हैं, 16 है। तो आपने बड़े क्यों लगवाए? ये फैमिली कार है अभी। जैसे लोग तो जा रहे हैं 18-20 के ऊपर, लेकिन एवरेज भी तो नहीं, 18 नहीं 20, तो उन्होंने सीएनजी भी लगाई हुई है। हाँ, ये बात नोटिस नहीं करी। हाँ, लेकिन इसका हिसाब से है कि मतलब 17 या 16 16 भक्ति सही होगी इसका, मतलब इतना वो नहीं होगा डाउन एवरेज। हाँ, जो 18-20 लगवा, हाँ जो 18-20 लगवा लेते हैं ना, तो उनका एवरेज भी घट जाता है और स्पीड भी गई, फिर इतने अच्छे भी नहीं है। 17 तक ठीक है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से ठीक है। हाँ, और लुक भी अच्छा आ रहा है भाई, सही देखूं 17 तक ही चूज करा था मैंने, फिर मैं पता नहीं क्यों दिमाग में आया 16 लगवा लिया, मतलब एवरेज भी। अच्छा, मतलब 17 इससे पहले लगवाए थे? हाँ, ट्राई करे थे। अच्छा, ट्राई करे थे, सही नहीं लग रहा। अच्छा, और भाई जरा गाड़ी के मॉडिफिकेशन पे बात करें, शुरू से सामने से शुरू करते हैं, क्या क्या करवा रखा है आपने? एक तो मैं देख रहा हूँ आपने रैप करवा रखा है, येलो, फुल्ली येलो रैप है, उसके बाद जो है ये VXI मॉडल है। अच्छा, VXI है। हाँ, कब खरीदी ये? मैंने ली थी अक्टूबर 21 में। अक्टूबर 21, अच्छा, डेढ़ साल हो गए, और मतलब नई, सही, ठीक है। और कितने की ली थी? ली थी 8 लाख। 8 लाख, अच्छा। और क्या, कौन सा वेरिएंट है, डीजल है पेट्रोल? पेट्रोल, ठीक है। और भाई मैं देख रहा हूँ रैप कितने का हुआ है पूरी गाड़ी पे, हुआ है 30,000। अरे वाह भाई, मतलब बहुत फूक दिया आपने पैसा तो गाड़ी पे, और 2 लाख उड़ गए भाई ने पहले बता दिया, मतलब टोटल बता रहे हो ना, ओवरऑल 2 लाख के, ठीक है। और रूफ देख रहा हूँ आपने ब्लैक करवा रखी है, इसका ब्लैक और येलो कॉम्बिनेशन। अच्छा भाई ने येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखा है, और ऊपर मतलब कह रहे थे वो दुकानदार की येलो कर देंगे। नहीं, मैंने करवाई नहीं। अच्छा, करवाया नहीं, टोप, मतलब इतना ही बजट पड़ता 30,000, ऊपर करवा दे तो। हाँ, ऊपर भी करवाऊंगा तो इतना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे को ऐसी ठीक लगी। हाँ, लेकिन भाई रूफ ब्लैक अच्छी लगती है, और तो मैंने व्हाइट एंड ब्लैक ही रखी थी पहले जिस दिन लाया था, मतलब ये व्हाइट है गाड़ी। हाँ, ये व्हाइट है ऑन पेपर। हाँ हाँ, तो भाई मैं देख रहा हूँ और सामने आर एस ग्रिल लग रही है। आर एस ग्रिल है, हेडलाइट भी चेंज। अच्छा, आर एस ग्रिल का क्या पड़ा? ये 4500 की है। 45, भाई भाई को तो मतलब 3.5 की पड़ी है भाई, जुगाड़ी आदमी मैं कह रहा हूँ, मतलब वही कह रहा मैं भाई से कि मतलब 4-5 की मिलती है, इतनी तो मैं सस्ती कैसे मिल गई भाई, जुगाड़ी आदमी बता रहे थे ग्रिल के बारे में कितने की आई? 4500। हाँ, इतनी की आती है, मतलब इतनी ही पड़ती है। करोल बाग से? हाँ। कौन से शॉप से? उसका नाम है याद नहीं आ रहा है। जो दो ही फेमस है, एक तो मरकरी टायर फेमस है और एक टायर जोन है, कहीं से करवाई होगी, लेकिन क्वालिटी बढ़िया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और मैं इस गाड़ी में देख रहा हूँ आपने ये क्या करवा रखा है? ये कंपनी से ही करवाई थी मैंने। अच्छा, मतलब ज्यादा जैसे लोग करवाते हैं सिर्फ ग्रिल लगवाते हैं, गियर में ये चीज नहीं देखी मैंने।
न्यू देख ली, ये बात भी सही है। और मैं देख रहा हूँ हेडलाइट्स, हेडलाइट्स में क्या मॉडिफिकेशन होगी? ये टॉप मॉडल की हेडलाइट है, टॉप मॉडल की ZXI VXI है ना, ये VXI टॉप बना रखी है, मतलब पूरी पूरी टॉप है, कुछ भी फर्क नहीं है, बस उसका फर्क है किसका, एसी के वेंट का। अच्छा एसी वेंट्स, हाँ वो वाले आते हैं। कोई नहीं, उसका तो कोई फर्क नहीं भाई, बाहर से गाड़ी देख लो इतनी मस्त बन रही है। और मैं देख रहा हूँ जरा लाइट, जरा ना क्या इसमें डेमन आई भी लग रही है? नहीं ठीक है, जरा लाइट का थ्रोट दिखाओ। अरे वाह DRL, अरे वाह ये कौन सी लाइट्स है मैं ये तो तगड़ी लग रही है। अच्छा अगर उसको हेडलाइट्स, हेडलाइट्स डीपर मार दो। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, बहुत तगड़े। और इस लाइट से मैं हैरान हूँ, मतलब ये कौन सी लाइट्स है, ये आपने अंदर का काम करवा रखा है? हैं ये पुलिस लाइट है भाई। भाई ये पुलिस लग भी रही है, नहीं भी लग रही है, और मतलब सामने से लोगों इतना तगड़ा आ रहा है। चार मोड है इसके अलग अलग। अच्छा चार मोड है, ठीक है जरा दिखाना जरा कौन कौन से मोड है। एक तो ये वाला मोड है, दूध चेंज करना स्टॉप हो जाती है। ठीक है ठीक है भाई, एक ये रहा भाई। रात में तो क्या ही लू का आता होगा इसका, खतरनाक। दिन में ही पता लग रहा है, दिन में तो इतना अच्छा आ रहा, रात को तो क्या ही आता होगा भाई। बढ़िया है। और सामने से मैं देख रहा हूँ, और भाई एलॉय पे अभी आते हैं, और साइड की वो देखें हम, साइड से आपने क्रोमिंग का काम करवा रखा है हल्का फुल्का? हाँ यही अच्छा लगता है। डोर हैंडल ये नहीं करवाया आपने, ये जो क्रोमिंग का काम होता है? नहीं इस पे ना जंग लग जाता है। अच्छा जंग फिर ऑकवर्ड सा भी लगता है, ब्लैक में सही कॉम्बिनेशन हो रहा है। अच्छा सही कॉम्बिनेशन आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ आपने वाइजर्स लगवा रखे हैं, डोर वाइजर्स। और ये क्या लिखा हुआ है? ये मेरी लड़की का नाम है, अहाना। अहाना हाँ। आपकी चाहने वाली है? मेरी डॉटर। अच्छा डॉटर है आपकी, वाह 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 बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। और मैं देख रहा हूँ साइड का प्रोफाइल ऐसी है, लुक ऐसा आ रहा है गाड़ी का। और भाई अब आते हैं जरा पीछे को, पीछे कैसा लुक है जरा देखते हैं। अच्छा भाई मॉन्स्टर स्पॉइलर लग रहा है इसमें, और जरा पीछे का लुक देख लो। और ये कस्टमाइज हो रखी है टेल लाइट्स? नहीं ये जैसी कंपनी से आई थी वैसी ओरिजिनल। अच्छा वैसी ये करनी है? अच्छा करनी है, लेकिन भाई लग रही है अच्छी, कंपनी से ही अच्छी लग रही है। और ये पिलर लाइट्स लगवाई होंगी? लाइट चेंज है। अच्छा ब्लिंग लाइट लगवा रखी है, ब्रेकिंग पे काम कर। अरे वाह मतलब आपने सही काम करवा रखा है, मतलब स्पॉइलर पे, स्पॉइलर पे जरा वो मॉन्स्टर स्पॉइलर पे कोई देख ही नहीं है मैंने, ऐसी लाइट लगी हुई सही है, मतलब लुक अच्छा आता होगा। हेडलाइट भी हो रहा है, स्पॉइलर भी हाईलाइट हो रहा है। अच्छा अच्छा तो ये पिलर लाइट्स कितने की पड़ी? ये 3000 की। 3000 और इसका तो 5000 का समथिंग पड़ गया होगा खर्चा। ये जुगाड़ का भाई है, जैसे आरएस ग्रिल वाले ने बताया था, वरना वाले उसी की ग्रिल है ये उसी की है। स्विफ्ट थी ना पहले? अच्छा स्विफ्ट है। हां इसके पास थी, इसने बेच दी। अच्छा बेच दी, ठीक है भाई। और भाई अब आते हैं जरा अलॉय व्हील्स पे, अलॉय व्हील की प्रोफाइल मैं दिखाऊं तुम्हें। 195/55 ठीक है। और कौन से वोसन के हैं, कितने के पड़े भाई? ये मेरे को 24 के अलॉय व्हील है। अच्छा सिर्फ अलॉयज 24। और टायर? टायर मैंने जो है जो ओरिजिनल गाड़ी के साथ आए थे वो मैंने दे दिए मायपुरी में। अच्छा ये टायर लिए थे उसके। अच्छा ठीक है फिर भी सही है। और लाइट्स भी लगवा रखी है? हाँ। जरा ठीक है भाई, बाहर का जरा हमने कवर कर लिया, अंदर का देखते हैं। अंदर अंदर कुछ काम हो रहा है? हाँ। सिस्टम वगैरह कुछ? सिस्टम भी है, सीट कवर भी है। अरे वाह ठीक है भाई, जरा अंदर आते हैं भाई गाड़ी में। अरे वाह भाई अंदर, भाई बाहर से अंदर अच्छा लग रहा है मुझे, अंदर फील आ रहा है बहुत तगड़ा भाई। ये देखो रेड सीट कवर्स लग रहे हैं, और मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है और देखने में। भाई ये देखो भाई की गाड़ी में बैठ गए, और अंदर ये भी चेंज है? ये भी इस पे ये कपड़ा ही लगा हुआ है। अच्छा लग नहीं रहा। और भाई ये देखो ये मतलब कितने का पड़ा ये काम सारा, सीट कवर सारे? सीट कवर वगैरह और विद मैटिंग 15000 रुपए। 15000 भाई अंदर फील बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, सही है, मतलब अपने आप को जरा फील बढ़िया मिलना चाहिए। हाँ मैं चेंज, इससे पहले थी ये रेड एंड ब्लैक था। अच्छा रेड एंड ब्लैक, तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी तो मैंने चेंज कराया। उसमें लुक भी अच्छा नहीं आ रहा होगा इतना। हाँ तो फिर मैंने येलो कराने के बाद ये चेंज करवा ली। अच्छा और मैं देख रहा हूँ भाई ये कौन सी है? ये सीरियो क्या नाम है, पैनासोनिक की है ये, 10 इंची। कितने की पड़ी ये? 85। और सिस्टम काम कर रहा है? सिस्टम नाकामिची के इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं। कौन से? नाकामिची। नाकामिची कौन सा? ये सर्च मार के देखते हैं। बढ़िया है, साउंड चेक करो आप जरा। ये चारों डोर से लगा है ना? नहीं फ्रंट के डोर में नाकामिची हाँ कंपोनेंट, और ये दो बूफर। ये तो ट्विटर से है ना? ट्विटर हाँ। अच्छा और पीछे की? पीछे वो नॉर्मल ही है जो नॉर्मल है वो, और रोकफोर्ड की बेस ट्यूब रखी हुई है। जरा भाई जरा चेक करते हैं और सिस्टम कैसा है, मैं जरा आवाज सुना दूँ। जरा आवाज सुनो और बैक से एक्सपीरियंस के लिए ईयरफोन्स लगा लेना। Thank you.
ये कहाँ से करवाया? ये एक छोटा भाई है अरमान, केजन का सुधरीज नजफगढ़। अच्छा, मतलब बहुत तगड़ा काम हो रहा है। और ये आवाज जो आ रही है ना, ये नाका मिर्ची के स्पीकर से, कितने का लगवाए ये? मैंने पैसे नहीं दिए इसके अभी फिर भी पता नहीं है कितने का आता है। ये 9000 का अप्रोक्स है, मतलब दो एक पेयर। हाँ, एक पेयर कंपोनेंट का भाई, मतलब बहुत तगड़ा आ रहा है। और सोचो पीछे लगते चार हो जाते, बहुत तगड़ा ही काम हो जाता। और ये बेस पेटी नहीं है ना, पेटी बेस ट्यूब है, बेस ट्यूब है, बेस ट्यूब से बहुत अच्छा बेस आ रहा है। रॉकफोर्ड की है ये, रॉकफोर्ड की 1600 स्पोर्ट की, 1600 बहुत अच्छा भी आ रहा है। हाँ। और भाई एक एम्प लगा होगा, एक एम्प लगा होगा, मतलब बहुत। कितना फूंक दिया होगा आपने इसमें सिस्टम में? टोटल ओवरऑल बता रहा मैंने 2 लाख रुपए। सिस्टम का नहीं बता, मैंने उससे ही करवाया सारा। 70-80-60 यही 50 के अराउंड है सिस्टम। अच्छा, सिस्टम का 50 का अराउंड, बहुत बढ़िया। हाँ। सिस्टम है। और पेट्रोल है ना गाड़ी? पेट्रोल है। जरा चेक करते हैं इसमें क्या कैसी चल रही है, पिकअप कैसा है। अपने ट्रैक पे आ चुके हैं और स्पीडोमीटर पे ध्यान रखना, सामने ध्यान रखना, कितनी भग रही है, क्या भग रही है, चेक करो जरा। ये तो बहुत, मतलब ऐसा इसका लग रहा है डीजल जैसा पिकअप। मेरे को भी लगता है कभी-कभी, मैं कंफ्यूज रहता हूं भाई। उसकी वरना से तेज भग रही है कसम से, ये क्या बात है इसमें भाई, बहुत तगड़ी भग रही है। कौन सा मॉडल बताया आपने? VXI मिडिल। अच्छा, कितने का लिया था ये? 8 लाख की। हां भाई, बहुत तगड़ी भग रही है, फिर भी उस वरना से तेज भग रही है कसम से। ऐसा मत बोलो यार भाई, नाराज हो जाएगा। लेकिन भाई जो बात है वो बात है, अपनी बता रहा हूँ। लेकिन बहुत बहुत बढ़िया काम करवा रखा है भाई ने। और भाई की गाड़ी कैसी लगी? पिकअप में तो एक नंबर है, अंदर से भी काम बढ़िया करवा रखा है, बाहर से भी। भाई की गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके बताओ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के और अगली गाड़ी के साथ। ओके बाय।